सो दीदी नमन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स. यस्टरडे योर चैप्टर फोर्थ इज़ कम्प्लीटेड एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू एक्सरसाइज वन, मैचिंग. डू यू नो हु दीज कैरेक्टर्स आर? आपको इसमें कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और इनको आपको मैच करना है उनकी पहचान से. उनकी पहचान क्या थी स्टोरी में, उसमें आपको उनसे मैचिंग मैच करना है. टू ली खान, हुआ टू ली खान अहन लीडर. हुआ ली मुलांस एडप्टेड नेम. फालिंग द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रूप. झांग यिंग अ ट्रस्टेड सोल्जर. लिसन अगेन. टू ली खान अहन लीडर. हुआ ली मुलांस एडप्टेड नेम. फालिंग द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रूप. झांग यिंग अ ट्रस्टेड सोल्जर. यू विल डू दिस मैचिंग इन योर बुक. ओके, नाउ सेकेंड एक्सरसाइज. हु सेड दीज लाइन्स टू हूम एंड वाई? इस चैप्टर में ये लाइन किसने कही हैं ये आपको बताना है. ऑल ऑफ अस फॉट एंड वन टुगेदर. हम सभी ने फॉट फाइटिंग की है, हम सभी ने युद्ध किया है और हम सभी जीते हैं. किसने कहा था, किससे कहा था? द आंसर इज मुलान सेड टू फालिंग. मुलान ने ये लाइन फालिंग से कही थी. मुलान सेड टू फालिंग. सेकंड, अवर ब्रेव डॉटर वेलकम होम. मेरी बहादुर बेटी तुम्हारा घर में स्वागत है. मुलान्स फादर टू मुलान. ये लाइन मुलान के फादर ने मुलान से कही थी. आई हैव कम टू सरेंडर. मैं सरेंडर करने आई हूँ. मुलान सेड टू टू ली खान. ये लाइन मुलान ने टू ली खान से कही थी जब वो सरेंडर का बहाना करके गई थी. यू हैव सेव्ड चाइना. तुमने चाइना को बचाया है. हु सेड दीज लाइन्स? फा लिंग टू मुलान. ये लाइन फा लिंग ने मुलान से बोली थी. यू विल बी माई सुप्रीम कमांडर. तुम मेरी सुप्रीम कमांडर होगी. हु सेड दीज लाइन्स? द एम्परर सेड टू मुलान. नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट द आंसर. ऑल ऑफ अस फॉट एंड वन टुगेदर. मुलान सेड टू फालिंग. अवर ब्रेव डॉटर वेलकम होम. मुलान्स फादर सेड टू मुलान. आई हैव कम टू सरेंडर. मुलान सेड टू टू ली खान. यू हैव सेव्ड चाइना. फालिंग सेड टू मुलान. यू विल बी माई सुप्रीम कमांडर. द एम्परर सेड टू मुलान. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, देन यू कैन सेंड मैसेज. यू विल डू दिस वर्क इन योर बुक. इन शॉर्ट, एज इन शॉर्ट आई गेव यू द आंसर. जैसे हमने शॉर्ट में आपको आंसर बताया है, आपको इसी तरह से अपनी बुक में ये आंसर करने हैं. ओके, नाउ एक्सरसाइज थ्री. मैच द ओल्ड वर्ड्स इन कॉमन कॉलम ए टू द मॉडर्न एक्सप्रेशंस इन कॉलम बी. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे दिए हुए हैं कॉलम ए में जो पहले ही वर्ड बोले जाते थे, लेकिन थोड़ा सा इनको चेंज किया गया है. जिस जो वर्ड पुराने पहले बोले जाते थे उनके वर्ड को ही चेंज कर दिया गया है, नया नाम दे दिया गया है उनको. तो आपको एक कॉलम ए में से ओल्ड वर्जन को न्यू वर्जन से मैच करना है. फर्स्ट है हाउस वाइफ. नाउ वी कॉल्ड हाउस वाइफ एज अ हाउस होम मेकर. पहले हाउस वाइफ बोलते थे, लेकिन अब हाउस वाइफ ना बोल के क्या बोलते हैं, होम मेकर. ओके, नाउ सेल्स गर्ल, सेल्स पर्सन, फायरमैन, फायर फाइटर, एक्ट्रेस, एक्टर, एयर होस्टेस, फ्लाइट अटेंडेंट, चेयरमैन, चेयरपर्सन, पोस्टमैन, पोस्टल वर्कर. यू विल डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक. मीन्स यू विल डू दीज थ्री एक्सरसाइजेस इन योर
बुक, नॉट इन योर नोटबुक। ये तीनों एक्सरसाइज जो आपको कराई हैं ये आपको बुक में करनी है, नोटबुक में नहीं करनी है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो वर्क होगा वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर, यू विल डू वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वांट टू से दैट सम स्टूडेंट्स ट्राइड टू डू द टेस्ट, कुछ बच्चों ने टेस्ट करने की कोशिश की एंड दे सेंड देयर टेस्ट कॉपी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, बट देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स हु डिडेंट ट्राई टू डू द टेस्ट। सो इट माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स ऑल्सो दैट प्लीज़ आस्क योर वर्ड टू डू एवरी टेस्ट इन देयर नोटबुक। ओके टिल देन, बाय बाय।